बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो किस्म इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में दिए जाते हैं, पर उनका मेथड सेम होता है। यहाँ पे क्या हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन चीज़ें जो आवाज़ कर रही हैं, हर पहली चीज़ जो है वो हर पांच, और यहाँ पे देखें, ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओ यहाँ पहली चीज़ जो है वो हर पांच मिनट के बाद आवाज़ कर रही, जैसे क्लॉक यहाँ पे बताया गया, पर यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड जो चीज़ है वो क्या कह रही है, 7 सेकेंड्स के बाद वो रिपीट अब फिर से आवाज़ कर रही है। एंड द थर्ड जो चीज़ है वो 12 सेकेंड के साथ। अब कह रहा है कि अगर वो ही वो नोट करता है कि अगर दीज जो एक साथ अगर वो तीनों आवाज़ करती हैं, तो बताएं नेक्स्ट टाइम वो कब तीनों साथ आवाज़ करेंगी। हम इन चीज़ों को एक लेबल दे देते हैं, एक को देते हैं ए इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ओके, बी इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, सी इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, ओके। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। हर कोई मतलब ये 5 क्लास से स्टार्ट होता है, 5 में 6 में 7 में, पहले 8 में भी होता था, अभी 8 में काट दिया गया, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये इस तरह 5 7 और 12। इसका रूल क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो नंबर लिखे गए हैं, इन नंबरों पहले हमें कोशिश करनी है कि 5, 7 और 12 पे कोई भी टेबल इन पे पहले लगे। कोशिश करनी है वो टेबल लगाना जो कम से कम 1 से ज़्यादा पे लगे, पर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ही ऐसी है कि इन तीनों पे कोई टेबल लग ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से लगाएंगे। अगर मैं जब भी मुझे भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे से को टेबल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि 2 का टेबल 12 के ऊपर कितनी बार लग रहा है, 6 टाइम, 7 पे नहीं लगा तो 7 को वैसे ही ड्रॉप कर लें, 5 को भी वैसे ही ड्रॉप कर लें। अब इन पे कौन सा टेबल लग रहा है, वही हम 2 का लगाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं जो तीनों पे लगे, तो हम अपने हिसाब से लगाएंगे। इसके ऊपर 3 टाइम्स, इस पे नहीं लगा वैसे ही ड्रॉप कर दें, इस पे भी नहीं लगा ऐसे वैसे ही ड्रॉप कर दें। फिर 3 का टेबल 1 टाइम, इसके ऊपर नहीं लगा, स्किप 5, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 7 और 1। ये जो 1 हो गया समझे तो ये ख़त्म हो गया। अब आपने सिर्फ 5 और 7 पे ही टेबल लगाना है। पहले हम 5 पे टेबल लगाएंगे क्योंकि ये छोटा है, 5 1 द 5, इस पे नहीं लगा तो ये वैसे के वैसे ड्रॉप कर देंगे, और ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब बाकी रह गया हमारा 7 पे टेबल 1 टाइम, तो हमारे तीनों 1 1 हो गए। अगर तीनों 1 1 हो गए तो समझें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। थोड़े में से मिटा देता हूँ, सॉरी स्टेकिंग टाइम। सही, तो अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, जो ये चीज़ें अब एक बार मैं आपको लगाता हूँ, वो ये देख रहे हैं साइड पे नंबर्स हैं, कलर चेंज कर लूँ जैसे आपको सही तरह नज़र आ सके, ये भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये देखिए, ओ ये दोनों भी,
तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई, थ्री मल्टीप्लाई, फाइव मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा सेवन मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है, पहले के टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, टू टू द फोर, फोर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो ट्वेल्व, ट्वेल्व को इसके साथ करो सिक्सटी, सिक्सटी को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 420, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 420 सेकंड्स के बाद दे विल साउंड अगेन, ओके। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, वन। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सिक्स क्वेश्चन का बी पार्ट, बी पार्ट में कह रहे हैं कि वन पाइप कैन बी फिल 1.25 टाइम्स फास्टर अ सेकंड पाइप, जो सेकंड पाइप है वो उससे पहला पाइप जो है 1.25 फास्टर है। लेट सपोज उसे हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो पी वन है और यहाँ पे हमारे पास पी टू है। लेट सपोज अगर पी टू जो है एक्स है तो पी वन क्या हो जाएगा, इससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये दोनों पाँच घंटे में एक पूल को फिल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन दे फिल द पूल इन 5 आवर्स, अगर पाँच घंटों में कर तो क्या करेंगे हम, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे 1.25x प्लस एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 5 के साथ। तो ये कितना है 1.25 और ये एक, तो ये मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 2.25x इंटू 5। अगर इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, ये तो x तो वही रहेगा, इस 5 को 5 के साथ, 5 5 25, 2 यहाँ आ गया, 2 5 10, 10 11 12, 12 का 1 पर आ गया, 2 5 10 1 11, ये दो नंबरों के बाद डॉट था, दो नंबरों के बाद डॉट हमने दे दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारे पास टोटल डेटा आ गई है कि इतने यूनिट्स में या इतने कोई एक्स कोई भी यूनिट हो सकता है कि हमारा जो पूल है वो फिल हो रहा है। तो बताएं कि आगे कह रहा है, क्वेश्चन सुने थोड़ा सा गौर करके, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, एक मिनट, कि हाउ लॉन्ग, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ कलर, सिलेक्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल अ पूल इफ ओनली द स्लोअर पाइप। अब स्लोअर पाइप आपके हिसाब से कौन सा है, मेरे हिसाब से तो पी टू है, क्योंकि ये उससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा फिल कर रहा है। जो भी होगा उसको, उसके साथ हम इस टोटल को डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास एक्स आ गया। तो इसके हिसाब से अगर ये एक्स एक्स में कट गया तो न्यू हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 11.25। जो सेकंड पाइप है वो इतना टाइम कंज्यूम करेगा या इतना पानी कह सकते हैं लेगा, ठीक है।